हाय एवरीवन, मेरा नाम है राज और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ श्री समर्थ दर्शन में, जहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला एक 1 BHK का फ्लैट, साथ ही साथ प्राइस और एरिया भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेन गेट से स्टार्ट करेंगे, नीचे का पार्किंग भी देख लेंगे, चिल्ड्रन प्ले एरिया देख लेंगे, फिर इसका बाद में हम चलेंगे ऊपर। तो ये रहा फ्रेंड्स इसका मेन गेट। यहाँ पर आपको 2 गेट मिलता है, एक इस तरफ भी है और एक गेट है सामने की तरफ। ये रहा फ्रेंड्स श्री समर्थ दर्शन, ये इसका मेन गेट। यहाँ पर सिक्योरिटी केबिन, 24 घंटे आपको सिक्योरिटी रहेगा यहाँ पर। सबसे पहले हमें मिल जाएगा चिल्ड्रन प्ले एरिया, यहाँ पर चिल्ड्रन प्ले एरिया दिए गए हैं। ये पूरा पार्किंग रहेगा, इसका पीछे भी पार्किंग है, चलिए वो भी हम देख लेंगे। और पीछे साइड से बिल्डिंग कैसे देखते हैं वो भी हम देख लेंगे। बिल्डिंग का पोजीशन देके 1 साल हो चुका है। ये रहा फ्रेंड्स इसका लॉबी, उसे भी हम देख लेंगे। सबसे पहले चलेंगे पीछे की तरफ, देख सकते हैं फ्रेंड्स ये इसका बैक साइड का कंपाउंड वॉल है। पूरा ओपन है, नीचे पूरा पार्किंग रहेगा आपको। फ्रंट पे शॉप दिए गए हैं, बैक साइड में पार्किंग है, सामने की तरफ गेट। एक बार हम बिल्डिंग को यहाँ से देख लेंगे, ये बिल्डिंग का बैक साइड। बात कर लेते हैं पानी, पानी जो रहेगा 24 घंटा आपको पानी रहेगा। ग्राम पंचायत का कनेक्शन है इस बिल्डिंग पर। लॉबी से स्टार्ट करते हैं, यह रहा फ्रेंड्स लॉबी, यहाँ से एंट्री रहेगा। सामने की तरफ से भी एक एंट्री है, वो भी हम देख लेंगे। इस बिल्डिंग पर आपको ए विंग और बी विंग है, दोनों विंग में लिफ्ट है और दोनों विंग में स्टेयर्स है, वो भी हम देख लेंगे। यहाँ पर नेम प्लेट, गणपति बप्पा का दर्शन, यहाँ से एक स्टेयर्स और एक सामने की तरफ भी एक स्टेयर्स है। ये पूरा पैसेज रहेगा यहाँ पर, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये पहला लिफ्ट, सामने वाला भी देख लेंगे। यहाँ पर भी आपको एक स्टेयर्स दिए गए हैं और इस तरफ लिफ्ट। तो चलिए अब हम चलेंगे ऊपर और देख लेते हैं इस बिल्डिंग का एक 1 BHK का फ्लैट। आज हम लिफ्ट से चलते हैं, क्योंकि फ्लैट जो है वो 6th फ्लोर पे है। तो मिलते हैं ऊपर जाके। फाइव 70 स्क्वायर फीट का ये एक 1 BHK का फ्लैट है। फ्लैट नंबर 605, 6th फ्लोर पे है ये फ्लैट। सबसे पहले हमें मिल जाता है लिविंग, देख सकते हैं फ्रेंड्स ये लिविंग, ये इसका सीलिंग, लिविंग का सामने एक आपको बालकनी मिल जाएगा। वीडियो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हर रोज़ हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। एक बार हम लिविंग को यहाँ से देख लेंगे, इसका सीलिंग, एक बार बाहर का लोकेशन। ये रहा फ्रेंड्स बाहर का लोकेशन, तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसका किचन। यहाँ पर ही 2 बाथरूम दिए गए हैं, वो भी हम देख लेंगे।
ये रेफरेंस किचन, अगेन 570 स्क्वायर फीट का 1 BHK का फ्लैट है ये, बीम बॉटम लेवल तक टाइल्स, ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म, स्टील का सिंक, पानी चेक कर लेते हैं, अगेन 24 आवर्स पानी मिल जाएगा आपको। यहाँ पर आपको 4x8 का वेंटिलेशन के लिए विंडो, साथ में एक आपको बालकनी, ये रहा फ्रेंड्स बालकनी, एक बार यहाँ से भी बाहर का लोकेशन देख सकते हो। एक बार हम किचन को यहाँ से देख लेते हैं, देख सकते हो फ्रेंड्स किचन, यहाँ पर फ्रिज के लिए पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पर आप फ्रिज रख सकते हो। अब हम देख लेंगे इसका बाथरूम, ये सीधा आपको पैसेज है, सामने की तरफ बेडरूम है। अब हम देख लेंगे इसका बाथरूम, ये रहा फ्रेंड्स बाथरूम, पूरा वॉल में टाइल्स, ऊपर की तरफ शावर, फ्लैट पूरी तरीके से क्लीन नहीं हुआ है। ये रहा, यहाँ पर एक हैंड वॉश भी दिए गए हैं अंदर। अब हम देख लेते हैं इसका टॉयलेट, ये रहा फ्रेंड्स टॉयलेट, सेम डिज़ाइन, पूरा वॉल में टाइल्स, ये रहा फ्रेंड्स बेडरूम। फ्रेंड्स ये जो बिल्डिंग है ये नेरल ईस्ट में है, स्टेशन से 7-8 मिनट का वॉकेबल डिस्टेंस में है। ये रहा फ्रेंड्स बेडरूम, ये इसका सीलिंग, बेडरूम का सामने एक आपको बालकनी मिल जाएगा, ये रहा फ्रेंड्स बालकनी, सो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस। इसका जो प्राइस है वो है 18,30,000 विथ रजिस्ट्रेशन प्राइस 570 एरिया है इस फ्लैट का। फ्लैट कैसे लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना, डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस दे दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।